बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने लगे हैं चिकन। इसके लिए हमने एक कप ऑयल लिया। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इसको जीरे का तड़का लगाएंगे। तकरीबन एक चुटकी जीरे का तड़का लगा लेंगे। बारी है प्याजों की। दो से तीन अदरक प्याज जिसको हमने बारीक बारीक काट दिया था। जीरे का तड़का हमने पहले लगा लिया था, फिर हम दोबारा इन चीजों का फिर लगाएंगे। जीरा, मेथी दाना, सौंफ, कलवंजी, दालचीनी, सरसों और काली मिर्च, इन सब चीजों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से प्याज को ना भून लेंगे। उस वक्त तक भुनाई करनी है जब इसका कलर ब्राउन सा नहीं हो जाता। उस वक्त तक तकरीबन प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गया। थोड़े से और होंगे, तकरीबन तीन से चार मिनट और करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। हम फिर अगर टमाटर डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके ना टमाटर अच्छे से फ्राई करता है, जल्दी नरम हो जाता है। हमने ना मसाले को ग्राइंड कर लिया था, इसके साथ ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से बनता है। इसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच नमक, आधी से ज़्यादा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पीसी, आधा चम्मच सूखा धनिया। अच्छे से भर देंगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। जब बटन से ऑयल निकलना शुरू हो जाए ना, तो समझ लें कि ना मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब आई है चिकन की। तीन किलो चिकन डाल देंगे। अच्छे से इसको भुनाई करनी है। इतनी आसान रेसिपी। माशाल्लाह से बनाई हमने अच्छे से तरीके से काम लिया। माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको अब दम लगाएंगे। तकरीबन एक चुटकी अजवाइन, धनिया, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा रेडी हो चुका है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।